करीम ने दो हजार 3690 सौ नब्बे खरीदे इनमें से उसने एक सूटकेस को लाभ पर तथा दूसरे को पंद्रह मूल्य समान थे तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य बताओ ए का एक सौ बीस परसेंट जो बीस परसेंट लाभ पर बेचा और बी का पिचासी परसेंट यानी पंद्रह परसेंट पर बेचा तो दोनों का क्या था जो विक्रय मूल्य था इसका बी का पिचासी परसेंट और ए का एक सौ बीस परसेंट दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है अब क्या हुआ छत्तीस सौ नब्बे बी को मैं अलग अलग पर पर नीचे लेकर आ गया पिचासी ऊपर ही जाएगा एक सौ बीस क्या आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा मैंने किससे काटूंगा इसको पांच से काटा कितना आया, सत्रह आया और एक सौ बीस से मैंने एक सौ बीस को काटूंगा कितना आएगा चौबीस पंच एक सौ बीस अब क्या होगा इन दोनों का योग कितना है इन दोनों का जो योग है यानी कि सत्रह प्लस चोइस क्या है सत्रह प्लस चोईस कितने हो गए? फोर्टी वन सात चार ग्यारह एक और दो और तीन और एक चार फोर्टी वन रुपए जो हुए वो क्या हुए है छत्तीस सौ नब्बे रुपए के बराबर है अब क्या पूछा हमसे कि प्रत्येक चुटका का केस का क्रय मूल्य बताओ चुटकेश का क्रय मूल्य बताओ तो छत्तीस सौ नब्बे रुपए पर हमें छत्तीस सौ नब्बे रुपए यदि हमें एक का निकालना है तो एक का कितना है सत्रह है सत्रह बटे इकतालीस ठीक है कितना है सत्रह बटे इतालीस नौ एक चार नौ छत्तीस कितनी बार कटेगा ये नौ कम नो चार नौ छत्तीस कितनी बार कटा नौ बार कटा ठीक है नौ का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा सत्रह नब्बे की एक सौ आ जाएगा कितना आ जाएगा एक सौ तेरेपन यानी कि पहले का क्रे मिले कितना होगा एक सौ तीस पंद्रह सौ तीस रुपए बचे हुए को क्या करेंगे हम या तो छत्तीस नब्बे में से घटा देंगे इसको या फिर यहाँ पर क्या रख देंगे ऊपर सत्रह की जगह चौईस रखेंगे छत्तीस नब्बे इन टू बटे इकतालीस यहाँ से जब इसको काटूंगा मैं तो कितना मिलेगा मुझे इक्कीस साठ रुपए मिलेंगे